लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे आजम खान, बोले यूपी को कश्मीर बना रही सरकार। लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल के बीच समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने बड़ा बयान दिया है। आजम ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए लोकसभा चुनाव के बहिष्कार का ऐलान किया है। समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान ने बीजेपी नेता केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए बहिष्कार का ऐलान किया है। खान ने कहा कि रामपुर इकाई इस लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेगी। इस दौरान आजम खान ने योगी सरकार पर यूपी को कश्मीर बनाने की इल्जाम लगाया है। उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी देश की सभी संस्थाओं पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है और काफी हद तक कर भी रही है। ऐसे में हमने चुनाव के बहिष्कार का फैसला किया है। आपको बता दें, पिछले 6 मार्च को रामपुर जिला प्रशासन ने आजम खान के ट्रस्ट द्वारा बनाया गया मोहम्मद अली जोहर यूनिवर्सिटी का उर्दू गेट प्रशासन द्वारा गिराया गया। इसे लेकर आजम खान प्रशासन से खास नाराज है। यह निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि रामपुर आज डर के साए में है। सीबीआई जैसी केंद्रीय संस्थाएं केंद्र के इशारे पर काम कर रही है। स्थानीय प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार के आदेश पर स्थानीय प्रशासन भी यहां का माहौल खराब कर रही है। प्रदेश में कश्मीर जैसी स्थिति बन रही है, ऐसे में निष्पक्ष और भयमुक्त चुनाव संभव नहीं है। तो आज के लिए खबरों में इतना ही। एमएनएस न्यूज लाइव देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड कर चैनल सब्सक्राइब, लाइक और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।